हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और अपन पढ़ रहे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट विद्युत परिपथ। और इसके अपन आज पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ रहे हैं विभवांतर के अनुप्रयोग। तो विभवांतर के अनुप्रयोग में पहला अपने पढ़ लिया था क्या, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आज जो सेकेंड टॉपिक वो है, वह विभवांतर की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। क्या विभवांतर की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की, कोई जैसे किसी एक का मान दूसरे से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो इसके लिए अपन ने जो परिपथ जो बना रखा है कि प्राथमिक जो भी जब जितने भी अपने जो विभवमापी के प्रयोग है या जितने भी इसके एप्लीकेशन है, इसमें प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं करना है। तो प्राथमिक परिपथ क्या होता है, वही विभवांतर का तार AB, इसके श्रेणी क्रम में एक सेल लगा है जिसका विद्युत वाहक बल अपने EP मान रखा है, एक कुंज लगा रखी है इसको अपने K1 बोल रखा है, और एक धारा नियंत्रक RF धारा को नियंत्रित करने के लिए, यानी अपने विभवांतर तार AB में इच्छित मान की धारा अपने जैसा जितना अपने करंट चाहिए उतना करंट इसके अंदर बहा सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है, यानी करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम है धारा नियंत्रक का। फिर बात करते हैं द्वितीयक परिपथ। जो भी चेंज होता है वो सेकेंडरी सर्किट के अंदर होगा, द्वितीयक परिपथ के अंदर होगा। तो जिन भी दो सेलों का अपने को विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, उनको अपन लगाते हैं द्वितीयक परिपथ में। जैसे अपने एक पहला सेल लिया जिसको मैंने बोला इसका विद्युत वाहक बल अपन ने E1 मान लिया, इसका धनात्मक सिरा क्या कर दिया अपने, जो विभवापी तार जो आपका विभवापी का तार है AB, उसके उच्च वाले सिरे से हायर पोटेंशियल के पॉइंट से जोड़ दिया। हायर पोटेंशियल उच्च विभव कैसे, क्योंकि इसका जो ये किस जुड़ा है, जुड़ा है इसके प्लस से, इसके प्राथमिक परिपथ के प्लस वाले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो पॉइंट ए क्या हो गया आपका, उच्च विभव वाला सिरा हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा सेल अपन ने लिया, इसका भी प्लस कहाँ जोड़ दिया अपन ने, ए यहाँ से जोड़ दिया, और इन दोनों के जो ऋण सिरे उसको जोड़ रहे हम द्विमार्गी कुंजी। इसमें टू वे अपन टू वे की काम है, द्विमार्गी कुंजी इसमें दो ऐसे इसमें टू वे की होती है ऐसे, जैसे यहाँ की लगाया तो ये दोनों कनेक्ट हो गए, और इसको हटा के यहाँ लगाया तो ये दोनों कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे टू वे की होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी, यानी दोनों सेलों के जो रिंग सिरे वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल ए को टी, इसको नाम दे दिया जैसे एक्स वाई जेड बोल दीजिए या 1 2 3 आप बोल दीजिए। तो मैंने इसको क्या बोल रखा है, 1 2 3 बोल रखा है। तो दोनों सेलों के जो रिंग सिरे वो इसके द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक व टर्मिनल बोल दीजिए सिरे बोल दीजिए, इसके सिरे एक व तीन से या टर्मिनल एक व तीन से अपने जोड़ दिए। और जो द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य सिरा है जिसको अपने दो यहाँ पे बोल रखा है या वाई जैसे आप बोलो एक्स वाई जेड तो वाई बोल दोगे, तो इसका जो द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य सिरा मध्य टर्मिनल है बीच वाला टर्मिनल है इसको अपने दो बोल रखा है, और इस मध्य टर्मिनल को धारा मापी जी से जोड़कर विसर्पी कुंजी जे से जोड़ देते। तो ये हो गया अपना परिपथ संयोजन, यानी सर्किट मतलब सर्किट कैसे बनाएंगे, परिपथ संयोजन हो गया, सर्किट का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसको लिखना कैसे, डायग्राम क्लियर है, प्राथमिक परिपथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो किसमें होगा, द्वितीयक परिपथ में होगा। तो वहां दूसरे परिपथ में अपने को जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है वो ले लिए, उनके धन सिरे ऐसे जोड़ दिए, ऋण सिरे द्विमार्गी कुंजी के एक व तीन टर्मिनल से, और द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य टर्मिनल है उसको धारामापी जी से जोड़कर विसर्पी कुंजी जैसे समझो तो अपन ने कर दिया। तो आप पहले क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे, डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम बनाने के बाद परिपथ संयोजन, प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं होता वही बात लिखिए। तो आप लिखना कैसे, आपको परिपथ संयोजन यानी विभवमापी तार AB के श्रेणी क्रम में एक EP विद्युत वाहक बल की बैटरी, कुंजी K1 व धारा नियंत्रक RF संयोजित करके प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट प्राथमिक परिपथ। उसके बाद द्वितीयक परिपथ में जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर लिए, और अपने को उनके जो विद्युत वाहक बल अपने मान लिए कि E1 और E2 अपने को मान लो पता है, तो अब कंपेयर करें कि किसका ज्यादा और किसका कम है, ठीक है। मान लिया कि जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना अपने क्या मान लिया कि वो E1 और E2 की तुलना करनी है, उनके धन टर्मिनलों को विभवांतर तार AB के उच्च विभव वाले सिरे A से संयोजित करते हैं, तथा ऋण टर्मिनलों को एक द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 से संयोजित कर देते हैं, ठीक है। फिर द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल 2 को धारामापी जी से जोड़कर विसर्पी कुंजी जे से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी क्या होती है, आपको लैब में दिख जाएगी वैसे, देखो मैं बुक में आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये होता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको,
ऐसे एक डिब्बा होता है प्रतिरोध बॉक्स, ये होती है आपकी टू वे की द्विमार्गिक कुंड, जिसमें दो कीज होती है, जैसे एक ये वाली कीज और एक ये वाली कीज, इसको हम बाहर निकाल लेते थे लगा, जैसे लगाना जोड़ लो तो अपन अंदर डाल देंगे और अठाना हो तो इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं टू वे की, या हिंदी में इसको बोलते द्विमार्गी कुंजी। इसी के बारे में होती है वन वे की, ये होता है धारा नियंत्रक, इसको अपने आगे पीछे इसके ऊपर खिसका सकते हैं। ऐसी एक होती है वन वे की, इसको हिंदी में बोलते हैं एकल मार्गी कुंजी, इसमें सिर्फ एक ही की होती है। तो ऐसी कीज होती है, ये होता है लैक्लांती सेल और ऐसे वाइस का डिब्बा, और एक होता है डेनियल सेल, इसमें कॉपर का डिब्बा होता है, आपको कॉपर का ये इसको बोलते हैं डेनियल सेल, ये होता है प्रतिरोध। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे मीटर से तो वगैरह से, एक प्रैक्टिकल बुक इसमें दे रखे सारी चीजें, तो ये आपको लैब में मिलेगी। तो वहां पे दो कीज होगी, तो इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। तो ये हो गया आपका परिपथ संयोजन, क्लियर। फिर रीडिंग कैसे करनी है, इसका काम कैसे करना है, इसकी कार्य विधि। तो कार्य विधि में क्या होता है, सबसे पहले देखिए डायग्राम क्लियर, आगे आते हैं अपन कार्य विधि का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को बंद करेंगे, प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को बंद करके जो द्विमार्गी कुंजी है उसके टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डार्ट लगाते हैं। डार्ट लगाते हैं मतलब जो की है उसको अंदर फंसा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी बंद परिपथ में, परिपथ बंद हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो सेल E1 है, जो पहला सेल है, वो विभवापी के परिपथ में आ जाएगा। क्या किया, सबसे पहले प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को बंद किया, और जो द्विमार्गी कुंजी है उसके टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं या संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं की बात, जिससे क्या होगा सेल E1 विभवमापी के परिपथ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस जो कि जे को उठाएंगे, जो कि जे को उठाएंगे, जो कि जे को उठा के इस तार AB पर खिसका कर इस सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे। संतुलन मतलब जिसके अंदर धारा मापी विक्षेप कितना रहेगा, 0 रहेगा, मतलब यहां का विभव बराबर हो जाएगा, यानी विक्षेप क्या रहेगा इसमें 0, यानी जो धारा मापी है वो अविक्षेप की स्थिति में रहेगी। तो मान लेते हो संतुलन लंबाई L1 है, इस टाइम नीचे का विद्युत माध्यम क्या है E1 है, ऊपर कितना होगा XL1, कैसे वही आपको पहले बता रखा है कि L लंबाई पर विद्युत वाहक बल EP है, जो इसमें पूरा विभवांतर कितना है जितना ऊपर लगा है, तो ऊपर कितने वोल्ट का सेल अपने पास EP वोल्ट का सेल है। इस L लंबाई के अंदर, यानी अगर इस तार की लंबाई कैपिटल L है, तो L लंबाई का विद्युत वाहक बल EP, तो एकांक लंबाई क्या होगा EP बाई L, ये हो गया इकाई मीटर का। तो अपने पास लंबाई कितनी है L1, तो L1 लंबाई कितना होगा, इसको L1 से गुणा कर देंगे, यानी EP बटा L × L1, और EP बटा L को अपन बोलते हैं विभव परवणता x, तो यहां से E1 बराबर x L1, क्लियर। तो इसको लिखना भी आपको कार्य विधि की कैसे लिखोगे, कार्य विधि देखिए, सर्वप्रथम जो मैंने बात बोली, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को बंद करके वह द्वितीय परिपथ में द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं, इस अवस्था में E1 विद्युत वाहक बल का सेल विभवापी के परिपथ में आ जाता है, ठीक है। अब विसर्पी कुंजी J को विभवापी तार AB पर खिसकाकर सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं लंबाई L1 है, अतः विभवापी के सिद्धांत से E1 बराबर x L1। तो आप क्या करो, पॉज करके लिख लिया होगा यहां तक, नहीं लिखा था, आप पॉज करके लिख लीजिए E1 बराबर x L1, क्या बात क्लियर है, ये E1 बराबर x L1, जहां पे x क्या है विभव परिवर्तन। तो ये आगे आपकी फर्स्ट सेल के लिए रीडिंग E1 बराबर x L1। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं करना है, इस कुंजी K1 को बंद ही रखना है, लेकिन सेकेंडरी सर्किट जो आपका है द्वितीय परिपथ है उसमें से 1 व 2 के मध्य से की को निकाल के या डॉट को हटा के 2 व 3 के मध्य लगाएंगे, क्लियर। प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं करना है, करना किसके अंदर है, द्वितीय परिपथ सेकेंडरी सर्किट के अंदर। तो सेकेंडरी सर्किट से यानी 1 व 2 के मध्य से डॉट हटा के मतलब की को बाहर निकाल के, जिससे क्या हुआ ये हट जाएगा, यानी वियोजित हो जाएगा, अपने इनको रिमूव कर दिया, पहले ऐसे लग रही थी कि इसको बाहर निकाल लिया और इस की को हटा के कहाँ लगा देंगे, इस 2 और 3 के मध्य लगा देंगे, क्लियर। प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं करना है, 1 और 2 से की हटानी है और उस की को कहाँ लगाना है 2 और 3 के मध्य लगाना है,
जिससे क्या होगा, इस अवस्था में जो E2 विद्युत वाहक बल का सेल है वो विभवांतर के परिपथ में आ जाएगा। फिर काम वही करना है, इस जोकी को यहाँ से उठाना है, इस जोकी को हिंदी में बोलते हैं विसर्पी कुंज, यानी विसर्पी कुंज को उठाना है और उसको तार AB पर खिसकाना है। तो तार AB पर आप खिसकाओगे तो आपको एक बिंदु ऐसा मिलेगा इस AB के ऊपर जहां पर इस धारा मापी विक्षेप क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, तो वो लंबाई अपन नोट कर लेंगे। तो मान लेते हो लंबाई L2 है, तो फिर से वही काम। तो E2 विद्युत वाहक बल के लिए वही विभवमापी के सिद्धांत से क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू एक्स L2। बात कैसे, वही कि एक्स यहाँ पे क्या होता है विभव परिवर्तन, इसका मान होता है EP बटा L, कि L लंबाई का विभवांतर EP है, तो एकाग्र लंबाई का EP बाई L, तो L2 लंबाई का विभवांतर कितना होगा एक्स L2, और संतुलन अवस्था में यहाँ का और यहाँ का विद्युत वाहक बल बराबर होगा, यहाँ का कितना है E2, ऊपर कितना होगा एक्स L2, तो E2 बराबर एक्स L2। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि अब द्विमार्गी कुंजी के, अब द्विमार्गी टू वे की, द्विमार्गी कुंजी के, इसको इंग्लिश में टू वे की बोलते हैं और टू वे की बोलते हैं अपन। अब द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक व दो के मध्य से डॉट हटाकर दो व तीन के मध्य डॉट यहां से हटा के यहां लगाते हैं, दो व तीन के मध्य डॉट लगाते हैं, इस अवस्था में E2 विद्युत वाहक बल का सेल विभवमापी के परिपथ में आ जाता है। अब फिर से विसर्पी कुंजी J को विभवमापी तार AB पर खिसकाकर सेल E2 के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं लंबाई L2 है, कि माना ये लंबाई L2 है, अतः विभवमापी के सिद्धांत से क्या होगा E2 इज इक्वल टू एक्स L2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बस यही था इसका सिद्धांत, क्लियर। अब जनरली यहाँ पे जो E1 होता है वो लैकलांज सेल होता है और E2 जो होता है वो डैनियल सेल होता है। E1 जो होता है वो सामान्यतः जो लैब में काम में लेते हैं, जो E1 है उसको वो लेते हैं लैकलांज सेल, और E2 की जो सेल होता है वो लेते हैं डैनियल सेल। तो यहाँ से क्लियर, अब करना कुछ नहीं है, आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने में आपको रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। तो क्या आएगा, देखिए E1 बटा E2, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का भाग, तो होगा क्या E1 बटा E2 बराबर एक्स L1 बटा एक्स L2। यहाँ एक्स से एक्स कट गया, तो एक खास बात यहाँ पे और है कि यहाँ पर अपने को मानकीकरण की, विभवापी के मानकीकरण की आवश्यकता नहीं होती। मानकीकरण क्या होता है, मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करना या विभव प्रवणता का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना ही विभवापी का मानकीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर अपने को मानकीकरण स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं, कोई उसकी आवश्यकता नहीं, यानी यहाँ पर अपने को विभवापी के मानकीकरण की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे एक्स आई मेरा फॉर्मूले के अंदर E1 अपॉन A2 बराबर L1 अपॉन L2, कोई आपसे की यूनिट पूछे तो कोई यूनिट नहीं होती, ये जो रेशियो होती है ये अनुपात है, तो शुद्ध अनुपात की कोई कोई मात्रक नहीं होगा। ऊपर भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्लियर। ये काम उन्होंने किया, यहाँ पे RH का मान फिक्स रखा है, RH को चेंज, दोनों लंबाई RH धारा नियंत्रक का मान फिक्स करके, यानी तार AB में धारा को नियत करके किया। यही काम अपन दूसरी रीडिंग में रखते हैं, दूसरी रीडिंग कैसे लेंगे, धारा नियंत्रक किसका लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा L1 L2 का मान मान लो L1 डैश L2 डैश, ऐसे ऐसा तीन चार मान निकालेंगे, सबका एवरेज निकालेंगे, तो उस एवरेज निकाल के आपको जो विद्युत वाहक बल का जो अनुपात वो मिल जाएगा। क्या क्या बोला मैंने कि यह आपने काम किया तार AB में धारा को नियत रखे। अगर आपको दूसरी रीडिंग चाहिए तो क्या करोगे, धारा नियंत्रक को आगे पीछे करोगे, धारा का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक को आगे पीछे किया यानी परिपथ में प्रतिरोध परिवर्तित हो गया, जिससे धारा भी परिवर्तित हो जाएगी। यानी इसके बाद आगे भी रीडिंग हम तीन चार रीडिंग लेके सबका एवरेज निकालेंगे, और ये आपके प्रैक्टिकल भी बोर्ड एग्जाम के अंदर सेम डेटा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल भी, तो भगवान करे आपके याद है, आसान प्रैक्टिकल है। ठीक है, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। अब देखिए ये तो तुलना कर ली, अगर मान लो इन दोनों सेल में से किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल अपने को पता हो, यहाँ पर तुलना कर ली। अब क्या करने जा रहे आगे कि मान लेते अपने में अपने को इनमें से किसी एक सेल का इसका विद्युत EMF है, विद्युत वाहक बल वो अपने को पता हो, तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात भी कर सकते। क्लियर, मैंने क्या बोला, यह तुलना कर ली अपने, अगर अपने को किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल पता हो, यानी वो मानक सेल हो,
ठीक है, एक तरह से क्या माने सेलो, तुम दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात भी कर सकते हैं। तो देख मान लेते हैं कि माना कि जो E1 जो पहला सेल हो मानक सेल है और दूसरा सेल है उसका विद्युत वाहक बल अपने को पता नहीं, तो इस समीकरण से अपन E2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे मैंने लिखा है यदि प्रथम सेल मानक सेल हो तो द्वितीय अज्ञात सेल का, तो द्वितीय अज्ञात सेल का, यदि प्रथम सेल मानक सेल हो तो द्वितीय अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल, इस समीकरण को हल किया E2 को इधर लगे तो L2 इधर आएगा, L2 बटा L1। इस समीकरण से अपन E2 का मान ये लिख सकते हैं। ये कब है, अगर आपको पहले सेल का विद्युत वाहक बल पता है तो यहां से E2 बराबर L2 बटा L1 इंटू E1। तो ये आपका था ज्योमेट्री की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। प्राथमिक परिपथ कोई चेंज नहीं होता है, चेंज किस में होता है, द्वितीयक परिपथ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन ढंग से कर दिया है। क्लियर, यहाँ पर खास बात मानकीकरण की आवश्यकता नहीं होती, मैंने बता दिया पहला सेल कौन सा होता है लैक्लांस, दूसरा कौन सा होता है डेमेर होता है, और अगर पहले सेल का विद्युत वाहक बल आपको पता है तो दूसरे का आप निकाल सकते हो E2 बराबर L2 बाई L1 इंटू में E1। तो आप क्या करो, पॉज करके इस क्वेश्चन से नोट कर लीजिए जिससे आपके नोट तैयार हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।